ये तस्वीरें छतरपुर के जवाहर रोड की हैं, जहां हिचकोले मारते वाहन इन दिनों गड्ढों में फंस जाते हैं, कई बार हादसे होते हैं, वाहनों के यात्री भी जख्मी हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि छतरपुर के इसी जवाहर रोड पर एक नई सड़क सिर्फ 3 महीने पहले ही डाली गई थी। इस सड़क ने पहली बारिश को ही नहीं झेला और ये पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई। छतरपुर के PWD विभाग के द्वारा जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था, उस ठेकेदार ने इतनी घटिया सड़क डाली कि सिर्फ 2 महीने में भी यह चकनाचूर हो गई। अब स्थानीय लोग इस सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। लगातार छतरपुर की मीडिया जवाहर रोड पर हुए इस फर्जीवाड़े को उजागर कर रही है। कई बार इन गड्ढों को दिखाते हुए समाचार पत्रों ने भी खबरें प्रकाशित की, तब छतरपुर कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए। सूत्र बताते हैं कि कलेक्टर ने इस सड़क को दोबारा डालने के लिए PWD विभाग को निर्देशित किया है। PWD विभाग ने भी ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है और सड़क को दोबारा डलवाया जाएगा, लेकिन अब नए सिरे से सड़क डालने के लिए बारिश के थमने का इंतजार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बारिश के खत्म होने के बाद ये सड़क जो नए सिरे से डाली जाएगी वह कितने दिन टिक पाती है। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी ICU एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा, छतरपुर के लिए वरदान। 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी ICU एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, TVS शोरूम के पास, होटल ला कैपिटल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।